प्रदेश में महिला सुरक्षा के सवाल पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था और एसपी ने सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का विरोध किया था क्योंकि महिला संबंधी अपराध में ज्यादातर सपा के लोग ही शामिल होते हैं। ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ये कहते थे कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये क्या महिला सुरक्षा की बात करेंगे? महिला सुरक्षा के लिए समाजवादी गंभीर खतरा है। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और ये यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं एक गंभीर खतरा है और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा वहीं उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है।